किया हमने? हमने बोला कि ये सब देखा, ये देखा। देखो यार, इन सब चीजों में इम्पोर्टेंट क्या है पता है? इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला नंबर वन, ये चीज इम्पोर्टेंट है नंबर वन। नंबर टू, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड देन कंप्रेशन एंड वन न्यूमेरिकल विद दीज जनरल वैल्यूज। देखो यार, ये क्या है? ये एक्चुअली डेरिवेशन था, ये एक्चुअली डेरिवेशन था वर्क डन निकालने के लिए, लेकिन ये काम में आएगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ये न्यूमेरिकल हमने कल सॉल्व किए थे, yes, और मेरा फाइनली इफिशियंसी का फॉर्मूला था, इफिशियंसी इज 1 माइनस T2 बाय T1, है ना? और यहां से हमने बोला था Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1, दिस वाज माय इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और हमने बोला अगर इफिशियंसी बढ़ाना है तो इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा रख दो, खत्म। यहां पर सेशन खत्म किया था, यहां पर सारा थ्योरी भी खत्म हो गया। बट पिछले सेशन से हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी थे, पहले हम उसको कवर करके खत्म करेंगे, है ना? या यहां तक हो चुका था हमारा न्यूमेरिकल्स, अब यहां से शुरू कर। लेट्स क्विकली बिगिन विद द न्यूमेरिकल लेक्चर। क्या बोल रहा है देखो, 2 मोल्स ऑफ अ गैस एक्सपांड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन। सो आइसोथर्मल एक्सपांशन है, पूरे चैप्टर में कुछ भी हो सकता है, समझो। दिस क्वेश्चंस आर नॉट बेस्ड ऑन हीट इंजन, हीट इंजन के पहले के सेशंस के बच्चे हुए क्वेश्चंस ले रहा हूं। 2 मोल्स ऑफ गैस, सो स्मॉल n की वैल्यू 2 मोल्स है, आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और उस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू है 300 केल्विन। इफ द इनिशियल वॉल्यूम इज 23 लीटर्स, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू 23 लीटर्स एंड द फाइनल वॉल्यूम इज 46 लीटर, V2 इज इक्वल टू 46 लीटर, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ऑन इट सराउंडिंग। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ऑन इट सराउंडिंग। बच्चों आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए, यस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए? कौन बता रहा है फटाफट बच्चों? गाइस कम ऑन, खेल खत्म, है ना? डालो n की वैल्यू 2, r की वैल्यू 8, व्हाट इज r की वैल्यू? 8.314। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? हाँ, कांस्टेंट है 300। 300, राइट? अब log v2 by v1 क्या है? ये है log to the base e v2 by v1। जब हमने डेरिवेशन किया सारा के सारा इसका, तो इट वॉज लॉग टू द बेस ई, जो हमने लिखा नहीं था ln, मैंने बताया भी था ln log to the base e होता है, yes? लेकिन इसकी वैल्यू तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो एक और log की नई चीज बता रहा हूं आज, ध्यान रखना। वो क्या है? 2 into 8.314 into 300। और बच्चों इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है, बोलो इसमें 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 log to the base 10, very good, log to the base 10 में। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ log to the base 10 v2 by v1, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303। बहुत अच्छा, so 2.303 into log to the base 10 v2 by v1। log table में हम जो log की values देखते हैं वो to the base 10 होती है। log table में जो log की values आप देखते हो वो होती है to the base 10, है ना? तो to the base 10 चाहिए, तो हम ऐसे लिखेंगे उसको। तो बच्चों अब ये तो आप सॉल्व करोगे, 2 into 8.314 into 300 into 2.303 into log to the base 10 v2 by v1 46 upon 23, ये है 2। और इसकी वैल्यू क्या आप लोगों को पता है? 0.3010। वेरी गुड, 0.3010, बहुत बढ़िया। एंड दिस मच जूल ऑफ वर्क विल बी डन। एकदम आसान सवाल, डायरेक्ट, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं। 4 moles of gas expand, मतलब n is equal to 4, isothermally, मतलब constant temperature, final pressure of the gas is 80% of the initial pressure, pressure 2 is equal to 80 upon 100 of pressure 1,
तो बच्चों पी टू बाई पी वन की वैल्यू है मेरी 8/10, दैट इज 4/5, 4/5। यस, बोल रहा है फाइंड द वर्क डन। बोलो वर्क डन कितना होता है? एन आर एन आर टी लॉग ई पी वन बाई पी टू, पी वन बाई पी टू लॉग टू द बेस ई। तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 300 इंटू 2.303 लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस 10 टू हो जाएगा 5/4। यस, और ये वैल्यू आप टेबल में देख सकते हो और इसको सॉल्व करके जुड़ी आगे बढ़ता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस, मतलब क्या दिया है गाइस, व्हाट इज गिवन? कैपिटल सीवी, वेरी गुड, कैपिटल सीवी 12.47। 2 moles of helium are heated, मतलब n is equal to 2 moles at constant pressure, ठीक है, constant pressure पे heat किया है, so that rise in temperature is 10 Kelvin, delta T is equal to 10 Kelvin. बोल रहा है find the increase in the internal energy, क्या करे क्या करे, how do we find the increase in internal energy, anyone? Change in internal energy, delta U, बोलो NCV delta T. Very good. NCV delta T. खेल खत्म, है ना? So 2 into 12.47 into 10, जो भी आएगा उतना चेंज इन इंटरनल क्या पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? सारी वैल्यूज तो पॉजिटिव है तो भैया पॉजिटिव ही आएगा, मतलब अगर पूछे मीनिंग तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हुआ है। खेल खत्म, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है। Yes, the molar specific heat of argon at constant volume is given. So once again, CV is given. Very good. 2 moles of argon are heated at constant pressure. So N is equal to 2 moles. Rise in temperature is 20. Delta T is equal to 20. बोल रहा है बच्चों, find the work done by the gas on its surrounding. Work done on the gas by its surrounding. बोलो, work done कितना होगा? कैसे solve किया जाए? Work done by the gas on its surrounding and the heat supplied. अच्छा, heat भी निकालना है and the heat supplied. Come on guys, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, कौन बता रहे? Direct formula substitution है यार, बोलो जल्दी से। What can we do? How do we find the work done and how do we find the heat supplied? How do we find the work done? How do we find the heat supply? Anybody?